नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में। तो आज जो हमारा रहेगा सेकंड लेक्चर रहेगा, हमने आप सबको एक लेक्चर जो है BHU ICAR प्लस BCEC का हमने आप सबको कंप्लीट कराया था, जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 50 क्वेश्चन थे। तो सभी स्टूडेंट से हमारा पुनः रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट इस समय यूट्यूब चैनल पर लाइव है, तो सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, तुरंत वीडियो को शेयर करिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। फिर हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टूडेंट इस समय लाइव आ गए हैं। सोनम शाह, नीतीश कुमार, आशु, विकास सिंह, नागेंद्र बघेल, आदित्य सिंह पटेल, प्रतिभा पटेल, आशीष कुमार, अमन कुमार, इंडिया यादव, आशीष कुमार, रतन कुमार, सुनीता ठाकुर, यम कुमार, आकाश कुमार, भास्कर राठौर, अनमोल सिंह, देवेंद्र रावत, दीपा भारती, अनमोल सिंह। वीडियो को शेयर कर दिए भैया, तुरंत वीडियो को शेयर करिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, आप सभी लोग तुरंत वीडियो को शेयर करिए। हम आप सभी लोगों के लिए लेकर BHU और ICAR प्लस BCEC जो भी हमारे बिहार के स्टूडेंट अगर पेपर देना चाहते हैं, कोई भी इन्हें समझ लीजिए, आप एग्रीकल्चर का कोई भी अगर आप कंपटीशन देना चाहते हैं, तो हमारे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से आप पढ़ाई कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जैसा कि हमने आप सबको यूपी कैटन में एक अच्छे धुआंधार क्लास चलाई थी, यहाँ से तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से मैराथन क्लास आप सबको पूरा अच्छी तरीके से 5 दिन क्लास दिया गया था, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, काफी पॉजिटिव रिजल्ट उसका दिख रहा है। जिस हिसाब से बच्चे बता रहे हैं कि सर आप सब लोगों ने जो पढ़ाया था, हमने लास्ट 5 दिन में बहुत से क्वेश्चन हमने वहां से अटेंड किया है। तो सभी लोग वीडियो को शेयर करिए भैया, फिर हम क्लास को अच्छे से आप सबके लिए एक एक क्वेश्चन लेके आ रहा है जो BHU और जो कहीं ना कहीं कंपटीशन में पूछे गए हैं, और उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे आप सबको हम जरूर कंप्लीट कराएंगे। पिछला लेक्चर कैसा रहा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। पिछला लेक्चर जो हमने आप सबको कंप्लीट कराया था, 50 क्वेश्चन था एग्रीकल्चर का, शेयर कर दिए भैया वीडियो को, शेयर कर दिए तुरंत, लाइक करिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत सभी लोग। संध्या, काफी स्टूडेंट लाइव आ गए हैं, वीडियो को शेयर कर दिए। देवेंद्र रावत, शिवनायक, प्रिया सिंह, अनीता शर्मा, अनमोल सिंह, आलिया, रूमल सिंह, चलिए वीडियो को शेयर करें ये सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। सोनम साहू, मनीषा, तो देख लेते कौन, दिवाकर दुबे, गुलाब सिंह, मुकेश सिंह, अभी दिखाई देगा भैया, परेशान मत होइए, अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट इस समय यूट्यूब चैनल पर लाइव है, शेयर करिए भैया अपना वीडियो को, 1 मिनट का काम लगेगा। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी आप सबके पास ग्रुप है, जो भी स्टूडेंट BHU ICAR की तैयारी करना चाहते हैं या BCEC, जो भी अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी पेपर देना चाहते हैं, तो सभी लोग वीडियो को शेयर करिए। इसके बाद आप सबको जो एक क्लास होने वाली एग्रीकल्चर यूपी कैटन का जो भी बच्चे पेपर देकर आए हैं, वो सभी आप सबको सॉल्व कराया जाएगा। जो भी क्वेश्चन उपलब्ध हो पाया है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की टीम की तरफ से, तो आप सभी को वो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जो यूपी कैटन में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे गए थे। उपदेश राजपूत, चलिए ठीक है, हम क्लास को आगे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, कोई दिक्कत नहीं। ICAR के जो भी स्टूडेंट या BHU का जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, या BCEC का, या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, या एग्रीकल्चर से संबंधित आप किसी भी महाविद्यालय के, जैसे हमारा यूपी कॉलेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूपी कॉलेज हो जाएगा, कुलभास्कर हो जाएगा, आप BU यानी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का अगर आप फॉर्म डाले हैं, उसके बाद
कोई भी एग्रीकल्चर से संबंधित अगर आप फार्म अप्लाई किए हो, चाहे महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो या प्राइवेट जो भी कॉलेज हो, तो हमारे तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी के माध्यम से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। काफी क्वेश्चन आपके वहां से मैच करेंगे। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्पाइनेशिया ओलेरेसिया वनस्पति नाम है, यानी बोटेनिकल नेम अगर इसमें यहां पर दिया है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है क्या, पहला क्वेश्चन आ जाता है कि स्पाइनेशिया ओलेरेसिया क्या हो जाए, स्पाइनेशिया ओलेरेसिया वनस्पति नाम है, यहां पर बोटेनिकल नेम दे दिया, क्या दिया दिया, बोटेनिकल नेम। तो स्पाइनेशिया ओलेरेसिया वनस्पति नाम है। अब पहला ऑप्शन यहां पर दिया है लहसुन, क्या दिया, लहसुन। अब लहसुन का बोटेनिकल नेम क्या हो जाए, एलियम सैटाइवम, एलियम सैटाइवम। देखिए पहला क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि लहसुन का बोटेनिकल नेम या वनस्पति नाम क्या हो जाए, क्या पहला ऑप्शन दिया है लहसुन, अगर पूछ लेता है कि लहसुन का बोटेनिकल नेम या वनस्पति नाम, तो एलियम सैटाइवम हो जाए, क्या हो जाए, एलियम सैटाइवम हो जाए। दूसरा ऑप्शन दिया गाजर, क्या दिया है, गाजर। तो अगर गाजर का बोटेनिकल नेम पूछ लेगा तो डाकस करोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाकस करोटा, क्या हो जाएगा, डाकस करोटा। अगर दूसरा ऑप्शन दिया गाजर, अगर पूछ लेता कि गाजर का बोटेनिकल नेम या गाजर का बोटेनिकल नेम वनस्पति नाम क्या हो जाएगा, तो गाजर का बोटेनिकल नेम वनस्पति नाम हो जाएगा डाकस करोटा। और तीसरा ऑप्शन दिया पालक, और चौथा ऑप्शन दिया विलायती पालक। यहां पर आपके दो क्वेश्चन दिए, दोनों आपको दो ऑप्शन बचे हैं लास्ट में, कितने ऑप्शन, दो ऑप्शन बचे हैं। तो आप दोनों यहां पे आपको ध्यान रखना कि अगर केवल पालक का पूछ लेगा तो बीटा बल्गेरिस वैरायटी बंगालेंसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा बल्गेरिस वैरायटी बंगालेंसिस, बीटा वल्गेरिस, और वैरायटी यहां पर दे देगा बंगालेंसिस, क्या हो जाएगा, बीटा बल्गेरिस वैरायटी बंगालेंसिस। अब देखो ये तीन का आप सबको क्लियर हो गया कि लहसुन का बोटेनिकल नेम एलियम सैटाइवम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लहसुन का बोटेनिकल नेम एलियम सैटाइवम, गाजर का बोटेनिकल नेम डाकस करोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाकस करोटा हो जाएगा, पालक का बोटेनिकल नेम बीटा वल्गेरिस, क्या हो जाएगा, बीटा वल्गेरिस वैरायटी बंगाल। लेकिन तो विलायती पालक का बोटेनिकल नेम हमारा क्या, स्पाइनेशिया ओलेरेसिया हो जाएगा। अगर केवल पालक का बोटेनिकल नेम पूछ लेगा तो बीटा वल्गेरिस हो जाएगा वैरायटी बंगाल, इतना ध्यान रखना। अगर वहां पर जैसे लगा दिया कि विलायती पालक का बोटेनिकल नेम क्या होगा या स्पाइनेशिया ओलेरेसिया बोटेनिकल नेम किसका हो जाएगा, तो स्पाइनेशिया ओलेरेसिया बोटेनिकल नेम हमारा किसका हो जाएगा, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, बिलायती पालक का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, बिलायती स्पिनाच। जैसे पालक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्पिनाच, क्या बोला जाता है, स्पिनाच बोला जाता है। यह क्वेश्चन ध्यान रखना कि लहसुन का हमने आप सबको बता दिया, गाजर का बता दिया, उसके बाद पालक का बता दिया, उसके बाद बिलायती पालक। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आप सबको पता ही हो गया होगा कौन सा ऑप्शन इसमें आप सबका सही है। भैया वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, कम से कम 70 बच्चों का लाइव आना चाहिए, हमने उस दिन पढ़ाया तो 70 स्टूडेंट लाइव आ गए थे, आज भी टारगेट बनाइए कम से कम 70 स्टूडेंट। देखिए भैया तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी आप सबके लिए बहुत अच्छी तरीके से लगा है, तो आप सभी लोगों से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को एक बार पुनः शेयर कर दीजिए, एक मिनट का समय निकालकर आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो पहले का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाए, कौन सा, चौथा ऑप्शन सही हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो, व्हीट प्रोटीन इज कॉल्ड, यानी व्हीट मतलब गेहूं, प्रोटीन मतलब गेहूं में जो प्रोटीन पाए जाते हैं इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है। अगर पूछ लेता कि व्हीट प्रोटीन इज कॉल्ड या गेहूं के प्रोटीन में कोई या गेहूं के प्रोटीन को क्या कहा जाता है, या व्हिच प्रोटीन आर फाउंड इन व्हीट, यानी व्हीट, व्हिच प्रोटीन आर फाउंड इन व्हीट, यानी गेहूं में कौन से प्रोटीन पाई जाती है। अगर इस तरह भी पूछ लेता है कि व्हिच प्रोटीन आर फाउंड इन व्हीट या गेहूं में कौन से प्रोटीन पाई जाती है, तो गेहूं में हमारी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो पहला ऑप्शन दिया जीन, क्या हो जाएगा, जीन। अब जीन जो हमारी प्रोटीन किसमें पाई जाती है, मेज में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, मेज यानी मक्का, किसमें पाई जाती है, मेज या मक्का में पाई जाती है। तो यह ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि जीन प्रोटीन किसमें पाया जाता, तो जीन प्रोटीन हमारा किसमें पाया जाता, मेज या मक्का में पाया जाता। दूसरा ऑप्शन दिया हमारा ग्लूटीन, अब ग्लूटीन प्रोटीन हमारा किसमें पाया जाता, गेहूं में पाया जाता, कौन सा, गेहूं में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, दूसरे का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाए, कौन सा हमारा,
दूसरे का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? दूसरे का दूसरा। अब धुरिन एक ऑप्शन यहां पर दिया, धुरिन जिसे एक बोला जाता है HCN भी बोला जाता है। क्या? HCN। अब HCN का पूरा नाम आप सबको अगर पता हो जाएगा तो HCN का पूरा नाम हो जाए हाइड्रोसाइनिक एसिड। क्या हो जाए? हाइड्रोसाइनिक एसिड। आप सब इसको ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता कि HCN एक टॉक्सिक एलिमेंट और फाउंड इन व्हिच क्रॉप। HCN जो होता है किसमें पाया जाता है? एक विषैला पदार्थ होता है जो किसमें पाया जाता है? ज्वार में पाया जाता है, सोरगम। किसमें पाया जाता है? ज्वार या सोरगम में पाया जाता है। अगर पूछ लेता धुरिन या HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो धुरिन या HCN जो हमारा किसमें पाया जाता है? ज्वार में पाया जाता है। किसमें? ज्वार में पाया जाता है। तो हमारा अगर पूछ लेता है दूसरे का, अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? दूसरे का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरे का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मनीष यादव सर, अब की बार BHU BSC AG OBC का कटाप कितना जा सकता है? भैया पेपर पहले दे लो, फिर कटाप पता चल जाएगा, ठीक है। BHU अगर आपको क्वालिफाई करना है तो एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन आपको उसको अच्छे से करना रहेगा, प्लस आपको केमिस्ट्री ओरिजिन भी अच्छा करना रहेगा। ये है ना, कटाप अभी भैया आप सबको नहीं बताया जा सकता है, पहले आप पेपर दीजिए, ठीक है। पहले आप पेपर देंगे तभी आप सबको कटाप पता चलेगा, ठीक है। ऐसे आपको हम कटाप नहीं बता सकते भैया कि कटाप कितना जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचे कि भैया कटाप कितना जाएगा, ठीक है। तो देखो, व्हीट प्रोटीन इज कॉल्ड, गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है उससे क्या कहा जाता है? तो ग्लूटीन कहा जाता है, ग्लूटीन कहा जाता है। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो जीन। मक्का में कौन सी? जीन प्रोटीन पाई जाती है। धुरिन जो होता है किसमें पाई जाता है? ज्वार या बाजरा में पाई जाता है। किसमें? ज्वार या बाजरा में पाई जाता है, जो टॉक्सिक एलिमेंट होता है। क्या होता है? टॉक्सिक एलिमेंट होता है। जो HCN कहां पर बनता है? ये बनता है जड़ों में बनता है। कहां पर बनता है? जड़ में बनता है। इकट्ठा कहां पर होता है? तो पत्तियों तथा तनों में इकट्ठा होता है। पत्तियों तथा तनों में इकट्ठा होता है। ये क्वेश्चन देना, अगर पूछ लेता है HCN की समस्या किसमें पाई जाती है? ज्वार या बाजरा में। HCN जो होता है कहां पर बनता है? पत्तियों, जड़ों में बनता है। इकट्ठा कहां पर होता है? तो ये पत्तियों तथा तनों में, यानी जो हमारी चरी होती है उसकी पत्तियों तथा तनों में इकट्ठा होता है। चलिए भैया, बहुत अच्छे वीडियो को शेयर करते रहिए। 50 स्टूडेंट होने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए, सिगलेट ऑफ टर्निप, टर्निप मतलब क्या हो जाएगा? सलजम। क्या हो जाएगा? सलजम। अगर पूछ लेता कि सलजम की बीज दर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिगलेट ऑफ टर्निप या सलजम की बीज दर कितना हो जाएगा? तो सलजम की बीज दर जो हमारा पहला ऑप्शन दिया 1 से 2 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन दिया 3 से 4 किलोग्राम, और तीसरा ऑप्शन दिया 4 से 6 किलोग्राम, और चौथा ऑप्शन हमारा दे दिया कितना? 12 से 15 किलोग्राम। कितना दे दिया? 12 से 15 किलोग्राम। तो हमारा जो सलजम की बीज दर, ये क्वेश्चन यूपी कटे में भैया कई बार पूछा गया, काफी फेमस क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखना। तो सलजम की अगर बीज दर पूछ लेगा, सीड रेट ऑफ सलजम, यानी सलजम की बीज दर कितना हो जाएगा? तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। तो ये भी ध्यान, अगर पूछ लेता कि सलजम की बीज दर कितना हो जाएगा, तो सलजम की जो बीज दर हो जाएगा 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा का है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? तीसरा का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जाता है, पूसा हरित, यानी पूसा हरित इज द वैरायटी ऑफ, कि पूसा हरित हमारे किसकी वैरायटी ऑफ प्रजाति? अगर पूछ लेता है कि पूसा हरित, क्या पूछ लेता है कि पूसा हरित वैरायटी ऑफ प्रजाति है, किसकी वैरायटी ऑफ प्रजाति है? तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है
कि पूसा हरे तेनी किसकी वराइटिया प्रजात है। तो हम देख लेते इसके पहला ऑप्शन दिया क्या, गार्लिक दिया, क्या दिया गार्लिक यानी लहसुन दिया है, और दूसरा हमारा ऑप्शन दिया क्या स्पिनाच, यानी स्पिनाच मतलब क्या हो जाएगा पालक हो जाएगा, क्या हो जाएगा पालक, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया बीट रूट यानी चुकंदर हो जाएगा, बीट रूट मतलब क्या हो जाएगा चुकंदर हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताइए। क्या पूछ लेता कि पूसा हरित किसकी वैरायटी या प्रजाति है, हाँ तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके बताइए कि पूसा हरित जो होता है किसकी वैरायटी या प्रजाति है, फिर आप सबको इसका आंसर हम तुरंत आप सबको बताते हैं पूसा हरित किसकी वैरायटी या प्रजाति है। पहला ऑप्शन होगा लहसुन यानी गार्लिक मतलब लहसुन हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन स्पिनाच मतलब पालक हो जाएगा, क्या हो जाएगा पालक, और तीसरा ऑप्शन दिया बीट रूट मतलब क्या हो जाएगा चुकंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा चुकंदर। तो जो हमारा ऑप्शन सही है चौथे नंबर का हमारा दूसरा ऑप्शन सही पालक हो जाएगा, क्या हो जाएगा पालक। तो अगर पूछ लेता कि पूसा हरित किसकी वैरायटी या प्रजाति है, तो पूसा हरित जो वैरायटी या प्रजाति हो जाए स्पिनाच या पालक की हो जाएगी, किसका हो जाएगा स्पिनाच या पालक का हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान, अगर पूछ लेता कि पूसा हरित किसकी वैरायटी या प्रजाति है, तो पूसा हरित हमारी किसकी वैरायटी या प्रजाति हो जाएगी, तो पालक यानी स्पिनाच या पालक का हो जाएगा। अनीता शर्मा बी ऑप्शन सही है, आदित्य प्रकाश बी ऑप्शन, मनीष यादव सी ऑप्शन, नहीं भैया सी ऑप्शन नहीं होगा, जीतू यादव, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही, कौन सा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच, द जीनस ओराइजा इंक्लूड्स, यानी ओराइजा के अंतर्गत कुल लगभग कितने यानी हमारे जीनस और स्पीसीज दो होते हैं, जीनस और स्पीसीज यानी वंश और जात होता, क्या होता है वंश और जात, तो ये हमारा वंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा वंश। तो ओराइजा मतलब धान के अंतर्गत कुल कितने वंश आते हैं, क्या आते हैं कितने वंश आते हैं, जीनस जीनस और स्पीसीज। तो पहला ऑप्शन दिया 14 स्पीसीज, इसके अंतर्गत कितनी जातियां आती है जीनस के अंतर्गत, दूसरा दिया 22 और तीसरा दिया 24 और चौथा दिया नाना दीज। तो इसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताइए, द जीन ओराइजा इंक्लूड्स यानी ओराइजा के अंतर्गत कितने जो हमारे जीनस आते हैं, सॉरी यहां पर जीनस रहेगा, तो ओराइजा के अंतर्गत कितने जीनस आते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही चौथा तीसरा ऑप्शन 24 जातियां आती है, किसके अंतर्गत आते यानी धान के अंदर कुल कितनी जातियां अगर पूछ लेता है तो 24 जातियां आती, कितनी जातियां आती 24 जातियां आती है, जिसमें हमारे कितने की खेती की जाती दो की, ओराइजा सटाइवा ओराइजा गलेबेरी में इन दोनों की केवल खेती की जाती है। कुल अगर देखा जाए कुल कितनी जातियां आती है तो कुल 24 जातियां आती है, कितने 24 जातियां आती है, जिसमें लेकिन तो केवल खेती की जाती है तो केवल दो जातियों की खेती की जाती है जिसका नाम है ओराइजा सटाइवा और ओराइजा गले बेरिमा, इन्हीं दोनों की केवल खेती की जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच का हमारा तीसरा ऑप्शन, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा छह आ गया, क्वेश्चन नंबर छह, द राइस इनफ्लोरेसेंस इज नोन एज, यानी धान के पुष्करण को क्या कहा जाता है, राइस इनफ्लोरेसेंस इज नोन एज, यानी धान के पुष्करम को क्या कहा जाता है। अगर पूछ लेता है द राइस इनफ्लोरेसेंस इज नोन एज, धान के पुष्करम को क्या कहा जाता है, तो धान के पुष्करम को पहला ऑप्शन दिया पेनिकल, दूसरा दिया स्पाइकलेट, तीसरा दिया ईयर और चौथा ऑप्शन दिया सिल्कुआ, क्या दिया सिल्कुआ। तो क्वेश्चन नंबर हमारे छह में हमारा पहला ऑप्शन सही है, कौन सा पहला ऑप्शन, धान के पुष्करम को क्या कहा जाता है, धान के पुष्करम के किस नाम से जाना जाता है, तो धान के पुष्करम को क्या कहा जाता है पेनिकल कहा जाता है, क्या कहा जाता है पेनिकल कहा जाता है। अगर गेहूं अगर दिया होता तो वहां पर हो जाता है स्पाइक, अगर व्हीट दिया होता तो क्या हो जाएगा स्पाइक, लेकिन तो अगर जहां धान दिया वहां समझ लेना हमारा क्या हो जाएगा पेनिकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेनिकल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा छह का पहला ऑप्शन सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सात, वीडियो को भैया आप सभी लोग पुनः शेयर कर दीजिए, कम से कम 70 स्टूडेंट को लाइव आना चाहिए। अनुज मौर्य पेरिकल सर ये बहुत अच्छी बात है भैया। अनीता शर्मा ऑप्शन, बिमलेश कुमार बी ऑप्शन, बीरपाल यादव ए ऑप्शन,
मनीष सिंह सर हिंदी, भैया हिंदी में बता रहे, परेशान ना हो, इंग्लिश में है, हमने हिंदी लैंग्वेज में भी उसको कन्वर्ट कर दे रहे, परेशान ना हो, पढ़ो अच्छे समझो। द सोइंग टाइम ऑफ बोरो या दलुआ राइस, यानी जो हमारी बोरो जो धान होती है, देखो अस अमन और बोरो तीन जातियां पाई जाती, अस अमन और बोरो, अस अमन और बोरो तीन जातियां धान के अंतर्गत पाई जाती है, अस अमन और बोरो। तो देखो अस अमन और बोरो को याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है मजनू सनम, सोइंग टाइम हम क्या करेंगे, सोइंग टाइम, यह हो जाता है सोइंग टाइम, मतलब बुआई का समय, सोइंग टाइम यह हमारा हो जाए हार्वेस्टिंग टाइम, मतलब कटाई का समय। तो अस मा, मा से हमारा क्या हो जाएगा मई, मा से मई, मा और जा, जा मतलब जून, और सनम ऐसे याद रखना, आप सब याद रखना मजनू और सनम, मजनू सनम, मा से मई जून हो जाएगा, उसके बाद हमारा इसमें हो जाएगा जून से जुलाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा जून से जुलाई हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा बोरो हो जाएगा इसका हो जाएगा नवंबर से दिसंबर, क्या हो जाएगा नवंबर से दिसंबर, और सा से सनम में सितंबर अक्टूबर में कटाई करेंगे, इसका हो जाएगा नवंबर दिसंबर में कटाई करेंगे, इसका हम कटाई करेंगे मार्च से अप्रैल में कटाई करेंगे, कब करेंगे मार्च से अप्रैल में। तो इससे आप याद रखना कि मजनू सनम, अगर पूछ लेता अगर आपको कंफ्यूज होता है कि अस अमन और बोरो तीन प्रकार की जाती है, इनके बुआई का समय अगर पूछ लेता है तो मजनू सनम, अस धान की बुआई मई जून में करते हैं हम, मई जून में रहेगा वैसे मई मुख्य माना जाएगा, और अमन धान की बुआई हम जून जून से जुलाई में करेंगे, कब करेंगे जून से जुलाई में, और बोरो धान की हम बुआई कब करेंगे नवंबर से दिसंबर में करेंगे। तो यहां पर दिया है द सोइंग टाइम ऑफ बोरो या दलुआ, तो बोरो धान को दलुआ के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है दलुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो बोरो धान की बुआई हम कब करेंगे, तो पहला ऑप्शन देख लीजिए इसमें दिया है बोरो, हमने बताया है अस अमन और बोरो मजनू सनम, तो पहला ऑप्शन नवंबर से दिसंबर, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बोरो धान की बुआई या दलुआ धान की बुआई हम कब करते हैं, तो बोरो धान की या दलुआ राइस की बुआई हम कब करते हैं, तो नवंबर से दिसंबर में, कब किया जाता नवंबर से दिसंबर के माह में किया जाता। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सात का हमारा पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हम आठ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ, IR8 वैरायटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस इन इंडिया, यानी IR8 वैरायटी जो होता है ये किसके राइस की, पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि IR8 वैरायटी जो होता है किसकी है, तो धान की वैरायटी प्रजात हो, किसकी वैरायटी प्रजात हो जाएगी, धान की वैरायटी प्रजात हो जाएगी, ये ध्यान रखना कि IR8 किसकी वैरायटी प्रजात है धान के, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस मतलब ये भारत में इंट्रोड्यूस, तो IR8 वैरायटी जो है धान की किसकी हो जाएगी, धान की इंट्रोड्यूस इन इंडिया, यानी भारत में किसके, भारत में किसके द्वारा यह लाया गया था, मतलब कौन सा देश खोजा था या जिसके द्वारा यह लाया गया था, तो इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो किसके द्वारा, पहला दिया ताइवान, दूसरा दिया फिलीपींस, तीसरा दिया इंडोनेशिया, चौथा दिया यूएसए, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है फिलीपींस, तो IR8 की वैरायटी जो था भारत में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो फिलीपींस के द्वारा, किसके द्वारा, फिलीपींस के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर पूछ लेता IR8 किसकी वैरायटी या प्रजाति है, तो ये धान की वैरायटी या प्रजाति है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो फिलीपींस के द्वारा, किसके द्वारा, फिलीपींस के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर आठ का हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर आठ का हमारा कौन सा ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नौ हमारा आ जाता है, इसको आप ध्यान रखना कि IR8 वैरायटी किसकी है, राइस या धान की है, इंट्रोड्यूस किसके द्वारा, किस देश के द्वारा किया गया था, तो इंडोनेशिया, अरे सॉरी फिलीपींस के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, फिलीपींस के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नौ, अब देखिए टुगड़ू वायरस ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय, जो टुगड़ू एक डिजीज है जो किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है, और किसमें होता है, तो धान में होता है। तो पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना,
अगर पूछ लेता कि टूंगड़ू डिजीज किस में होता है, तो टूंगड़ू डिजीज जो होगा हमारा किस में होता है, राइस में होता है, धान में होता है, किसके द्वारा होता, तो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा होता है। यानी टूंगड़ू डिजीज जो होता है किस में होता है, धान में होता है, किसके द्वारा होता, तो वायरस के द्वारा होता। ट्रांसमिटेड माई मतलब स्थानांतरित किसके द्वारा होता, कहां से, तो एक जगह से दूसरी जगह ये फैलता किसके द्वारा है, ट्रांसमिटेड बाय, तो किसके द्वारा फैलता है, पहला दिया स्टेम बोरर, दूसरा ऑप्शन दिया लीफ रोलर, और तीसरा ऑप्शन दिया ग्रीन लीफ हॉपर दिया, क्या दिया, ग्रीन लीफ हॉपर, और चौथा ऑप्शन दिया हमारा गंदी बग, क्या दिया, गंदी बग। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा, किसके द्वारा होता, ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा यह ट्रांसमिट होता है। और गंदी बग जो होता है ये कीट है, क्या है, इंसेक्ट या कीट, ये ध्यान रखना, ये कीट है, और किसके कीट है, तो ये धान की है, किसकी है, धान की है। अब किस अवस्था में लगता है, तो मिल्किंग स्टेज में लगता है, मिल्किंग स्टेज में, तो ये धान की किस अवस्था में लगता, तो मिल्किंग स्टेज में लगता, किस अवस्था में लगता, मिल्किंग स्टेज में लगता। तो ये धान आना जो हमारा टूंगड़ू डिजीज होता है किसमें लगता है, धान में, किसके द्वारा होता, वायरस के द्वारा होता, किसके द्वारा, वायरस के द्वारा, किसके द्वारा यह फैलता है एक जगह से दूसरी जगह, तो ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा फैलता है। गंदी बग इंसेक्ट या कीट है जो धान में लगता है, किसमें लगता है, धान में लगता है। अब किस अवस्था में लगता है, तो मिल्किंग स्टेज में लगता है, किस अवस्था में, मिल्किंग स्टेज में लगता है। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आ जाता है। भैया आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, तुरंत भैया वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं। अब देखिए क्रिटिकल इज ये क्रॉस बिटवीन, यानी क्रिटिकल जो होता है ये किसके क्रॉस से विकसित किया है। अब क्रिटिकल क्या है इसको देख लेते हैं। प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल है, प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल, प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल, धान्य फसल या हम कह सकते हैं अनाज, दोनों कहा जा सकता है। तो अगर पूछ लेता है कि प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल या अनाज वाली फसलें हमारी कौन सी हो जाए, क्या पूछ लेता है, प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल या प्रथम मानव निर्मित अनाज वाली फसल हमारी कौन सी हो जाएगी, तो ट्रिटिकेल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ट्रिटिकेल। ये किसके क्रॉस से विकसित किया गया था, तो पहला दिया व्हीट इंटू राई, तो पहला ऑप्शन सही है, गेहूं इंटू राई के क्रॉस से विकसित किया गया था, किसके, गेहूं इंटू राई, गेहूं इंटू राई मतलब सरसों, क्या हो जाए, गेहूं इंटू राई के क्रॉस से विकसित किया गया था। और इसको किसने विकसित किया था, तो रिंफू ने विकसित किया था, किसने, रिंफू ने। तो इसको भी ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है कि ट्रिटिकल या इस तरह पूछ लेता है कि प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल कौन सी हो जाएगी, तो प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल हमारा ट्रिटिकल हो जाएगा, जो किसके क्रॉस से विकसित किया गया था, गेहूं इंटू राई के क्रॉस से विकसित किया गया था, किसने विकसित किया था, तो रिंफू ने विकसित किया था, किसने विकसित किया था, रिंफू ने विकसित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता 11। अकोची डिजीज इन राइस इज ड्यू टू टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय, अब देखिए अकोची डिजीज इन राइस, यहां पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि अकोचे डिजीज होता है किसमें लगता है, धान में लगता है, किसमें लगता है, धान में लगता है। तो अकोचे डिजीज इन राइस, अकोची रोग जो होता है धान में होता है, इज ड्यू टू किसके कारण, द टॉक्सिसिटी मतलब किसके विषैलापन के कारण या अधिकता के कारण, इज कॉज्ड बाय, यानी अकोची डिजीज जो होता है धान में होता है ये किसके अधिकता के कारण या किसके टॉक्सिसिटी मतलब किसके विषैलापन के कारण धान में अकोची रोग लगता है, या हिंदी में इस तरह सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि अकोची रोग जो होता है धान में किसके कारण लगता है। तो पहला दिया है जिंक, दूसरा दिया आयरन, यहां रहेगा क्या रहेगा, आयरन, तीसरा हमारा हो जाएगा फास्फोरस, क्या हो जाएगा, फास्फोरस, और चौथा हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे बोला जाता है H2S, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। तो देखिए इसमें अगर अकोची रोग किसमें लगता है, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि अकोची रोग लगता है किसमें, धान में लगता है, किसके कारण लगता है, तो किसके कारण लगता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण लगता है, H2S की अधिकता के कारण, किसके कारण लगता है, H2S की अधिकता के कारण लगता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि अकोची रोग किसमें लगता है, धान में लगता है, किसकी अधिकता या किसके कारण लगता है, तो H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता के कारण ये रोग लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता 12।
द साइंटिफिक नेम ऑफ नोबल केन, अब देखिए यहां पर आ गया कि नोबल केन या गन्ना का बोटेनिकल नेम अगर पूछ लेता है, द साइंटिफिक नेम ऑफ नोबल केन। अब नोबल केन किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि नोबल केन किसे कहा जाता है, तो गन्ना को कहा जाता है। किसे? गन्ना यानी सुगर केन। तो पहला क्वेश्चन यह ध्यान होना चाहिए कि नोबल केन किसे कहा जाता, गन्ना को कहा जाता। किसे कहा जाता? गन्ना को कहा जाता। और गन्ने को नोबल केन किसने कहा, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो गन्ने को नोबल केन किसने कहा? टी एस वेंकटरमन, टी एस वेंकटरमन। यह भी क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि गन्ने को नोबल केन किसने कहा, तो गन्ने को नोबल केन किसने कहा था, तो टी एस वेंकटरमन ने कहा। किसने कहा? टी एस वेंकटरमन ने कहा था। अब देखो नल यानी नोबल केन, अब आ जाता है यहां पर बोटेनिकल नेम। पहला दिया सेकेरम ऑफिसिनेरम, क्या हो जाए? सेकेरम ऑफिसिनेरम, ये हो जाएगा हमारा नोबल केन या गन्ने का बोटेनिकल नेम। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का जो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि गन्ने को नोबल केन किसने कहा, टी एस वेंकटरमन ने कहा। किसने? टी एस वेंकटरमन। और नोबल केन का बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, तो सेकेरम ऑफिसिनेरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेरम ऑफिसिनेरम हो जाएगा। अब देखिए दूसरा हमारा ये था सेकेरम स्पॉन्टेनम, क्या हो जाएगा? सेकेरम स्पॉन्टेनम, ये हमारा होता है जंगली सुगर केन। क्या हो जाएगा? जंगली गन्ने का बोटेनिकल नेम, जंगली गन्ने। अगर पूछ लेता कि जंगली गन्ना का बोटेनिकल नेम क्या, सेकेरम स्पॉन्टेनम हो जाएगा। क्या? सेकेरम स्पॉन्टेनम। उसका सेकेरम बारबेरी, क्या हो जाएगा? सेकेरम बारबेरी। तो सेकेरम बारबेरी जो बोटेनिकल नेम हो जाए, ये भारतीय गन्ना। क्या हो जाए? भारतीय गन्ना। ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि भारतीय गन्ना का बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, तो भारतीय गन्ना का बोटेनिकल नेम सेकेरम बारबेरी हो जाए। अगर भाई चाइनीज गन्ना का पूछ लेगा तो सेकेरम चाइनेसिस। क्या पूछ लेता? चाइनीज गन्ने का बोटेनिकल नेम, तो चाइनीज गन्ने का बोटेनिकल नेम हो जाए सेकेरम साइनेसिस हो जाए। क्या हो जाए? सेकेरम साइनेसिस हो जाए। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि चाइनीज गन्ने का बोटेनिकल नेम, तो चाइनीज गन्ने का हमारा बोटेनिकल नेम सेकेरम साइनेसिस हो। क्या हो जाए? सेकेरम साइनेसिस। सॉरी। तो पहला हमने बताया कि नोबल केन, नोबल केन किसे कहा जाता, गन्ने को, गन्ने को नोबल केन किसने कहा, टी एस वेंकटरमन ने कहा। नोबल केन बोटेनिकल नेम हो जाए सेकेरम ऑफिसिनेरम का। जंगली गन्ना का बोटेनिकल सेकेरम स्पॉन्टेनम हो जाएगा। भारतीय गन्ना का बोटेनिकल नेम सेकेरम बारबेरी हो जाएगा। और चाइनीज गन्ना का बोटेनिकल नेम सेकेरम साइनेंस हो जाएगा, चाइनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 आ जाता है, देखिए यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। द इनफ्लोरेसेंस ऑफ सुगर केन इज नोन एज, यानी गन्ने के पुष्करण को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है। तो काफी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इनफ्लोरेसेंस द इनफ्लोरेसेंस ऑफ सुगर केन इज नोन एज, यानी गन्ने के पुष्करण को किस नाम से जाना जाता है, गन्ने के पुष्करण को क्या कहा जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा कि सेकेंड यानी द इनफ्लोरेसेंस ऑफ नोन एज, यानी गन्ने के आप पूछ लेता है द इनफ्लोरेसेंस ऑफ सुगर केन इज नोन एज, गन्ने के पुष्करण को क्या कहा जाता है। पहला दिया एरो, दूसरा ऑप्शन दिया पेरिकल, तीसरा ऑप्शन दिया कैपिटुलम, चौथा ऑप्शन दिया रेसिमोज। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? पहला ऑप्शन। तो गन्ने के पुष्करण को क्या कहा जाता है, एरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरो कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान, अगर पूछ लेता कि गन्ने के पुष्करण को क्या कहा जाता है, तो गन्ने के पुष्करण को क्या कहा जाता है, एरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरो कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का कौन सा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which element is essential for sugar translocation in sugar cane? यानी गन्ना में कौन सा, अब देखो which element is essential, कौन सा तत्व जो होता है आवश्यक होता है या लाभदायक होता है। क्या होता है? आवश्यक होता है। essential मतलब हमारा क्या हो जाए, आवश्यक हो जाए। यहां पर देख लेंगे कि which element is essential, कौन सा element जो होता आवश्यक होता फॉर sugar, यानी चीनी के translocation मतलब स्थानांतरण के लिए sugar cane, यानी गन्ना में चीनी के स्थानांतरण के लिए
किसके लिए? स्थानांतरण के लिए कौन सा एलिमेंट आवश्यक होता है? गन्ना में चीनी के स्थानांतरण के लिए, किसके लिए? स्थानांतरण के लिए कौन सा एलिमेंट जो होता आवश्यक होता है? तो पहला ऑप्शन दिया फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन दिया पोटास, तीसरा ऑप्शन दिया बोरान और चौथा ऑप्शन हमारा दिया मोलिब्डेनम। क्या दिया? मोलिब्डेनम। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा दूसरा ऑप्शन से कौन सा? पोटास। यानी गन्ने में चीनी के स्थानांतरण के लिए, शुगर मतलब चीनी के स्थानांतरण के लिए कौन सा एलिमेंट जो होता आवश्यक होता है? तो कौन सा एलिमेंट हमारा आवश्यक हो? पोटेशियम, या जिसे बोला था पोटास। इसे क्या कहा जाता? पोटेशियम। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है। देखो भैया इंग्लिश से मत घबराओ, ठीक है? आप सबको हिंदी में एकदम प्योर हिंदी में यानी कन्वर्ट करके आप सबको बताया जा रहा है, ठीक है? अगर आप अभी घबराने लगे तो एग्रीकल्चर में जब बीएससी करोगे तो वहां पर तो इंग्लिश में पेपर आते हैं। तो इसलिए भैया इंग्लिश अगर धीरे धीरे कोशिश करोगे समझने के लिए तो अच्छा हो जाएगा। साकेत चौधरी, जयपाल कुमार, दिलीप कुमार प्रजापति, रवि पटेल, प्रिया त्रिपाठी। यूपी कैटर में कितने रैंक तक एडमिशन हो जाए? रैंक आने के बाद आप सबका क्लियर होगा, मतलब कितने नंबर तक? नहीं, रैंक आने के बाद क्लियर हो जाएगा कि कितने में लगभग एडमिशन हो जाएगा। साकेत चौधरी, चलो भैया पढ़ाई करो, वो तो रिजल्ट बताएगा किसका कितना सही है, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है। व्हिच ग्रोथ स्टेज ऑफ सुगर केन, गन्ने की कौन से वृद्धि अवस्था इज क्रिटिकल, मतलब मुख्य मानी जाती है फॉर इरिगेशन? गन्ने के यानी कौन सी अवस्था जो होती है गन्ने की वृद्धि के लिए, उसमें सिंचाई की सबसे मुख्य अवस्था मानी जाती है? मतलब कौन सी ऐसी अवस्था होती है गन्ने में वृद्धि की जिसमें जो सिंचाई की मुख्य अवस्था मानी जाती है, सिंचाई उसके लिए आवश्यक होता है? मतलब किस अवस्था पर जो होता है गन्ने की कौन सी अवस्था जो होता है सिंचाई के लिए मतलब मुख्य मानी जाती है? क्या होती है? सिंचाई के लिए मुख्य मानी, कौन सी इसकी वृद्धि की अवस्था होती है? तो पहला ऑप्शन दिया जर्मिनेशन, दूसरा ऑप्शन दिया ग्रैंड ग्रोथ फेज, तीसरा ऑप्शन दिया फॉर्मेटिव, तीसरा ऑप्शन दिया फॉर्मेटिव या रहेगा फॉर्मेटिव स्टेज, और चौथा ऑप्शन दिया रिपनिंग स्टेज। यानी गन्ने में कौन सी सिंचाई की अवस्था जो होती मुख्य मानी जाती है वृद्धि के लिए? किसके लिए? वृद्धि के लिए। गन्ने में कौन सी सिंचाई की अवस्था क्रिटिकल मानी जाती है गन्ने में वृद्धि के लिए, कौन सी सिंचाई की अवस्था मुख्य मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, फॉर्मेटिव स्टेज, यानी जिसे बोला था गांठ बनते समय। क्या हो जाएगा? गांठ बनते समय। गांठ बनते समय तो गन्ने की जो फॉर्मेटिव स्टेज होती है वो मुख्य मानी जाती है। किसके? यानी उस समय सिंचाई के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, या इस तरह भी पूछ लेता है कि गन्ने में सिंचाई की सबसे क्रांतिकारी अवस्था कौन सी मानी जाती है? मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ शुगर केन इरिगेशन। तो गन्ने में सिंचाई की सबसे क्रांतिकारी अवस्था जो मानी जाती है वो हमारा हो जाएगा फॉर्मेटिव स्टेज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फॉर्मेटिव स्टेज। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 16 आ जाता है। ट्रेटाजोलियम टेस्ट इज यूज फॉर ड्यू टू डिटरबाइन, यानी ट्रेटाजोलियम टेस्ट का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? ट्रेटाजोलियम टेस्ट इज यूज, ट्रेटाजोलियम टेस्ट का प्रयोग किया जाता है टू डिटरबाइन, मतलब किसके निर्धारण के लिए ट्रेटाजोलियम टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो यह भी क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि ट्रेटाजोलियम टेस्ट का प्रयोग हम किसके निर्धारण के लिए करते हैं, डिटरबाइन मतलब क्या होता है? निर्धारण। क्या हो जाएगा? निर्धारण के लिए करते हैं। पहला हो जाएगा सीड प्योरिटी, बीज की शुद्धता के लिए, दूसरा हो जाएगा सीड जर्मिनेशन, बीज के अंकुरण के लिए, तीसरा हो जाएगा सीड वायबिलिटी, बीज की जीवन क्षमता के लिए, और चौथा हो जाएगा सीड क्वालिटी, बीज के गुणवत्ता के लिए। क्या हो जाएगा? सीड क्वालिटी मतलब क्या होता है? बीज के गुणवत्ता के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 में जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का हमारा जो तीसरा ऑप्शन सही है, कौन सा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन ध्यान अगर पूछ लेता है कि ट्रेटाजोलियम टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, यानी ट्रेटाजोलियम टेस्ट का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है?
तो टेट्राजोलियम टेस्ट का प्रयोग जो होता है किसके निर्धारण के लिए किया जाता है, बायवेलिटी ऑफ सीड, एसिड बायवेलिटी मतलब बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए, किसके लिए बायवेलिटी ऑफ सीड या बीजों की जीवन क्षमताओं के ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टेट्राजोलियम टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। भैया सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, भैया सभी लोग वीडियो को शेयर करिए तुरंत। वीडियो को शेयर कर दीजिए भैया, आज बहुत कम स्टूडेंट लाइव आ रहे हैं। तो मतलब ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि टेट्राजोलियम जो टेस्ट का प्रयोग किया जाता है बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए, किसके लिए, हिंदी में आप सबको बता देते हैं कि बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 16 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सीड्रेट ऑफ सेसमम, सेसमम मतलब क्या होता है, तिल, सेसमम मतलब क्या हो जाएगा, तिल। अगर पूछ लेता कि तिल की बीज दर कितनी होती है, सीड्रेट ऑफ सेसमम, सेसमम मतलब हमारा क्या हो जाएगा, तिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तिल। तो अगर पूछ लेता कि सीड्रेट ऑफ सेसमम तिल की बीज दर कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, तिल की बीज दर, तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है 2 से 3 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया 3 से 4 किलोग्राम, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया 4 से 5 किलोग्राम, और चौथा ऑप्शन दिया हमारा 5 से 6 किलोग्राम, क्या हो जाएगा, 5 से 6 किलोग्राम। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। 70 क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा दूसरा ऑप्शन, सेसमम मतलब तिल की बीज दर कितनी हो जाएगी, तो तिल की जो बीज दर हो जाती है 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, सेसमम मतलब क्या हो जाएगा, तिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तिल हो जाएगा। तो दिलीप कुमार प्रजापति, रवि पटेल, रजत नारायण करण, भैया प्लीज पढ़ाई ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, कौन सा, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द फ्रूट ऑफ रैप सीड एंड मस्टर्ड इज नोन एज, रैप सीड या मस्टर्ड, रैप सीड मतलब क्या हम लिख सकते हैं, राई लिख सकते हैं, राई या, और मस्टर्ड मतलब क्या होता है, सरसों। तो हम दोनों लिख सकते हैं, चाहे रैप सीड लिख दे या मस्टर्ड लिख दे। तो अगर पूछ रहा है, इसे पूछ रहा द फ्रूट ऑफ रैप सीड एंड मस्टर्ड, यानी राई या सरसों के फल को क्या कहा जाता है या उसे किस नाम से जाना जाता है, राई या सरसों, जिसे क्या बोला जाता है, राई या सरसों के फल को किस नाम से जाना जाता है या इसे किस क्या कहा जाता है। मैराथन क्लास आईसीआर का उसे कम चांस है, जो क्लास आपको चल रहा है इसी के द्वारा आप सबको पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि आईसीआर का मैराथन क्लास संभव नहीं है, ठीक है, उसका कोर्स बहुत ज्यादा है, या तो आप सबको एक बार पढ़ाया गया तो आप सबके लिए कवर किया जा सकता है। लेकिन तो देखो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर दिया गया, जिस भी स्टूडेंट को अगर तैयारी करना है, जब तक आईसीआर का पेपर नहीं होता वो आके तैयारी कर सकता है, और बीएचयू का भी, और यूपी कैडर का तो बैच स्टार्ट कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते तो आप सभी लोग तुरंत तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में संपर्क करिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 18 है कि मस्टर्ड, यानी मस्टर्ड मतलब सरसों या राई के फल को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया पोड यानी फली, दूसरा ऑप्शन दिया ग्रेन, तीसरा ऑप्शन दिया सिल्कुआ, और चौथा ऑप्शन कैरी ऑप्शन। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा सिल्कुआ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिल्कुआ। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, द डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ बाजरा, द डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ बाजरा, यानी बाजरा के बीज को कितनी गहराई पर बुआई करते हैं या करना चाहिए। डेप्थ मतलब गहराई हो जाएगी, क्या हो जाएगा, गहराई आप सोइ, तो बाजरा के बीज को कितनी गहराई पर बुआई करना चाहिए। अगर पूछ लेता है डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ बाजरा, बाजरा के बीज को कितनी गहराई पर बुआई करना चाहिए, तो बाजरा के बीज को कितनी गहराई पर बुआई करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया 1 से 2 सेंटीमीटर,
दूसरा ऑप्शन दिया 3 से 4 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दिया 4 से 5 सेंटीमीटर और पांचवा, चौथा ऑप्शन दिया 5 से 6 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा पहला ऑप्शन सही, कौन सा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बाजरा के बीज को कितनी गहराई पर बुआई करना चाहिए। तो बाजरा के बीज को 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करना चाहिए। कितने सेंटीमीटर पर? 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करना चाहिए। चलिए भैया लगे रहिए, काफी स्टूडेंट धीरे धीरे लाइव आ रहे हैं, वीडियो को शेयर करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। दिलीप कुमार प्रजापति, आकाश ए ऑप्शन, अविनाश राजपूत। देखिए, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी होता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन। सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन से बैक्टीरिया, कौन से जीवाणु उत्तरदायी होता है, या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा जीवाणु होना चाहिए, कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा जीवाणु होना चाहिए, कौन सा जीवाणु काम करता है। अब इसका देखोगे कि सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन से बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है या कौन सा जीवाणु। तो पहला हो जाएगा राइजोबियम फैसिओली हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा राइजोबियम ग्लेसाइकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्लेसाइकम, तीसरा हो जाएगा राइजोबियम जपोनिकम और चौथा हो जाएगा राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो हमारा सोयाबीन में जो होता है राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है, तो राइजोबियम जपोनिकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइजोबियम जपोनिकम। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये कहना अगर पूछ लेता कि क्वेश्चन नंबर सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है, तो हमारा कौन सा जीवाणु उत्तरदायी हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा राइजोबियम जपोनिकम हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मुकेम हुसैन, मनीष यादव, महाकाल। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पूसा मेघाली इज एन इंप्रूव वैरायटी ऑफ, यानी पूसा मेघाली जो होता है किसकी उन्नत प्रजाति, इंप्रूव मतलब क्या होता है उन्नत प्रजाति। अगर पूछ लेता कि पूसा मेघाली किसकी उन्नत प्रजाति है, यानी इंप्रूव मतलब उन्नत प्रजाति है, तो पूसा मेघाली जो होता है किसकी उन्नत प्रजाति है। पहला दिया कैरेट, दूसरा ऑप्शन दिया रेडिस, तीसरा ऑप्शन दिया हमारा बीट रूट चुकंदर और चौथा ऑप्शन हमारा दिया टर्निप मतलब सलजम। तो अगर पूछ लेता है कि पूसा मेघाली किसकी उन्नत प्रजाति है, उन्नतशील प्रजाति है, तो हमारा पहला ऑप्शन से कैरेट यानी गाजर का हो जाएगा, किसका गाजर। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है कि पूसा मेघाली किसकी उन्नतशील प्रजाति है, तो ये हमारे किसकी हो जाएगी गाजर का हो जाएगा, किसका कैरेट या गाजर का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सोनू कुमारी, सोनू कुमार, सुमित, मनीष यादव। चलिए ठीक है, लाइव आते रहिए भैया, वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन आ जाता कि परभनी क्रांति इज ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ, कि परभनी क्रांति जो होता है किसकी प्रसिद्ध प्रजाति। अगर पूछ लेता है कि परभनी क्रांति इज ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ, या परभनी क्रांति जो होता है किसकी प्रसिद्ध वैरायटी ऑफ प्रजाति है, पहला ऑप्शन दिया ब्रिंजल, दूसरा ऑप्शन दिया ओकरा, तीसरा ऑप्शन दिया पोटैटो। पोटैटो यहां पर रहेगा, क्या रहेगा पोटैटो, और चौथा ऑप्शन दिया चिली, क्या दिया चिली। तो परभनी क्रांति जो होता है किसकी फेमस या प्रसिद्ध वैरायटी, अगर पूछ लेता है तो परभनी क्रांति जो होता है किसकी प्रसिद्ध वैरायटी है, तो हमारा जो हो जाएगा ओकरा यानी भिंडी को हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 का दूसरा ऑप्शन ये हो जाएगा, ओकरा को हम क्या कहते हैं, भिंडी भी कहते हैं और लेडी फिंगर भी कहा जाता है, लेडी फिंगर। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, तो परभनी क्रांति जो था किसकी वैरायटी है, प्रसिद्ध वैरायटी है प्रजाति है, पॉपुलर वैरायटी है प्रजाति है, तो ओकरा या भिंडी या लेडी फिंगर, किसे कहा जाता है ओकरा या भिंडी या लेडी फिंगर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। द स्टेम एबव यानी तने के पास का डिग ग्राउंड, तने के पास का जो जमीन होता है केले में, इन बनाना इज नोन है, यानी के जो केला का जो होता है, केला का तने के जो जमीन से ऊपर वाले भाग होता है, जमीन के पास वाले भाग को क्या कहा जाता है? द स्टेम एबव यानी तना जो होता है वो लगभग द ग्राउंड, यानी जमीन के पास की जो तना होता है बनाना इज नोन है। तो जो यानी जो जमीन से ऊपर वाला भाग होता है, केला के जो जमीन से ऊपर वाले भाग के तने होते हैं उससे क्या कहा जाता है, और जमीन से नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? तो काफी फेमस क्वेश्चन है, यहां रहेगा राइजोम रहेगा, क्या रहेगा? आर एच। तो देख हम मान लेते हैं केला का प्लांट है, क्या केला का प्लांट है, अभी हमारा जमीन हो गया, क्या हो गया? जमीन हो गया। अब जो जमीन के पास से जो तना होता है, जमीन से ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो स्यूडो स्टोम कहा गया, स्यूडो स्टोम। अगर पूछ लेता केला के जो पौधा होता है जमीन से ऊपर वाले भाग को या जमीन से पास वाले भाग को क्या कहे, तो स्यूडो स्टोम या जमीन से नीचे वाले, ये हमारा तो हो गया जमीन से नीचे, जमीन से नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता, राइजोम कहा जाता। ये दोनों क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया कि केला का जो पौधा होता है तो जमीन से ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता, जमीन से पास वाले भाग को क्या कहा जाता, तो सीडो स्टोन कहा जाता। तो वही क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा 23 का दूसरा ऑप्शन से, कौन सा दूसरा ऑप्शन, या जमीन से नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता, तो राइजोम कहा जाता, क्या कहा जाता, राइजोम कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 23, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किंडो इज बेसिकली वैरायटी ऑफ, बेसिकली अगर यहां पर हम करते तो वैरायटी, तो किन्नो जो होता है किसकी वैरायटी या प्रजाति है? तो पहला दिया टैंगरिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टैंगरिन। दूसरा ऑप्शन दिया टैंगोर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन दिया मेंडारिन हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन दिया हमारा सिट्रेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिट्रेंज, या इसे हम बोल सकते हैं सिट्रस लिख सकते, क्या? सिट्रस। तो मतलब किन्नो जो होता है वैरायटी या प्रजाति किसकी वैरायटी या प्रजाति है? तो मेंडारिन की वैरायटी पर जाते, क्या? मेंडारिन मतलब संतरा। अगर पूछ लेता कि किन्नो किसकी वैरायटी या प्रजाति है, तो किन्नी हमारे किन्नो जो होता है हमारी किसकी वैरायटी या प्रजाति हो जाएगी? तो ये हमारी मेंडारिन का हो जाए, क्या हो जाए? मेंडारिन मतलब संतरा की वैरायटी या प्रजाति हो जाए। और कई बार ये बीएचयू में क्वेश्चन पूछा गया हरिश्चंद्र। चलिए काफी स्टूडेंट, मतलब आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहे भैया, सभी लोग शेयर करते रहिए। तो मतलब किन्नो किसकी वैरायटी या प्रजाति, तो मेंडारिन मतलब संतरा की वैरायटी या प्रजाति हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 24 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू, इन सेब में लाल रंग का कारण क्या होता है? रेडनेस मतलब रेड कलर का। अगर पूछ लेता है कि रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू, सेब में लाल रंग का कारण क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा एंथ्रोसाइनिन, दूसरा लाइकोपिन, तीसरा कैरोटीन, और चौथा जेंथ्रोपिन। तो सेब में जो लाल रंग का कारण हो जाए, पहला हो जाएगा एंथ्रोसाइनिन, हो क्या हो जाएगा? एंथ्रोसाइनिन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 का पहला ऑप्शन सही है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा जो सही हो जाएगा वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि सेब में लाल रंग का कारण क्या हो, एंथ्रोसाइनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ग्लेडियोलस इज प्रोपोगेटेड बाय इन विच क्रॉप, या इन विच मेथड, यहां पर सर इन विच मेथड मतलब ग्लेडियोलस क्या होता कि ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस में प्रवर्धन जो होता किस मेथड द्वारा करते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और यूपी कैटर में भी ये क्वेश्चन आया था कि ग्लेडियोलस विधि से प्रोपोगेशन, ग्लेडियोलस का यानी जो हमारा ग्लेडियोलस है इसका हम किस विधि से प्रोपोगेशन या प्रवर्धन करते हैं? तो ग्लेडियोलस में जो हम प्रोपोगेशन या प्रवर्धन करते हैं, पहला दिया ट्रू सीड, दूसरा दिया बल्ब, तीसरा दिया स्टेम कटिंग, और चौथा दिया रूट। तो ग्लेडियोलस में जो प्रोपोगेशन या प्रवर्धन करते हैं बल्ब द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? बल्ब द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 का दूसरा ऑप्शन सही, कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ग्लेडियोलस में प्रोपोगेशन या प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं, तो किसके द्वारा किया जाता है? बल्ब द्वारा किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अनुराग यादव, अनमोल सिंह, हैप्पी कुमार,
आकाश कुमार, मिस्टर अजीत कुमार, प्रिया सिंह, ज्योति पाल, हरीश चंद्र। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया द प्रोडक्टिविटी ऑफ बनाना इज हाईएस्ट। इन इंडिया यानी भारत में द प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता जो होते हैं, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता ऑफ बनाना मतलब केला में इज हाईएस्ट। यानी भारत में जो होता है केला की उत्पादकता सबसे अधिक किसका है, अगर पूछ लेता है इन इंडिया यानी भारत में सबसे अधिक केला की उत्पादकता किसका है या किस राज्य की, अगर पूछ लेता है यानी प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता। अब उत्पादकता मतलब क्या होता है कि प्रति हेक्टेयर जो उपज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बोला जाता है। तो प्रति हेक्टेयर जो उपज होता है उसे प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बोला जाता है। तो भारत में प्रति हेक्टेयर केले की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक किस राज्य की है, तो पहला दिया वेस्ट बंगाल, दूसरा दिया तमिलनाडु, तीसरा दिया केरला और चौथा दिया महाराष्ट्र। तो इसमें हमारा तमिलनाडु, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तो भारत में सबसे अधिक केला की उत्पादकता किस राज्य की है, तो भारत में सबसे अधिक केला की उत्पादकता किसकी हो जाएगी, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए हिंदी में आप सबको ले आए हैं, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर हिंदी में बताइए इंग्लिश। भैया आप सबको दोनों बताइए यार, परेशान ना होइए, इंग्लिश भी समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 28 कि बीजो उपचार से किस प्रकार के रोगों की रोकथाम होती है। बीजो उपचार मतलब सीड ट्रीटमेंट से, जैसे क्या बोला जाता है, सीड ट्रीटमेंट, क्या होता है, सीड ट्रीटमेंट। बीजो उपचार से या सीड ट्रीटमेंट से किस प्रकार के रोगों की रोकथाम की जाती है, तो पहला दिया मृदा वाहित, दूसरा दिया बीज वाहित, तीसरा दिया मृदा रहित और चौथा दिया कीट वाहित। तो बीजोपचार या सीड ट्रीटमेंट से हम किस प्रकार के रोगों की रोकथाम कर सकते हैं, तो अगर पूछ लेता कि बीजोपचार मतलब सीड ट्रीटमेंट से हम किस प्रकार के रोगों की रोकथाम कर सकते हैं, तो हम बीज वाहित, क्या मतलब, बीज वाहित मतलब जो हमारे बीज संबंधित बीमारी होती है उसकी हम रोकथाम कर सकते हैं। मतलब सीड ट्रीटमेंट जो होता है हम कहते हैं किसके लिए, बीज से संबंधित जो हमारी बीमारियां होती है, बीज वाहित जो मतलब नर्सरी में जो बीमारी लगती है उसके कंट्रोल के लिए हम सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार से रोक की यानी बीज उपचार से रोकथाम किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 28 का दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनमोल सिंह बता रहे सर समझ में नहीं आया कुछ, क्या करें बताओ भैया, इतना यार तुम्हें सरल लैंग्वेज में, इतना इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं, भैया तुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूं बताओ, तुम्हें कुछ आ ही नहीं रहा भैया क्या करें बताओ, इतना सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। चलिए भैया बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोग को नहीं समझ में आया या कितने लोग को आ गया समझ, बताइए किस ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको ना समझ में आया हो जो हमने पढ़ाया है। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भैया कि किसको समझ में नहीं आया है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ना समझ में आया हो जो पढ़ाया है। अनमोल सिंह बता रहे सब सर सब समझ में आया। सभी स्टूडेंट को भैया समझ में आ रहा, चलो समझने की कोशिश करो भैया तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। भैया बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप सबको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कि एक हेक्टेयर में नींबू की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी होती है, यानी एक हेक्टेयर में नींबू की उपज कितनी होती है, अगर पूछ लेता कि एक हेक्टेयर में नींबू की उपज कितनी होती है या प्रति हेक्टेयर नींबू की उपज कितनी होती है, तो पहला ऑप्शन दिया 100 से 150 क्विंटल, दूसरा ऑप्शन दिया 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन हमारा दे दिया 300 क्विंटल
और चौथा ऑप्शन दिया हमारा 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यानी नींबू में प्रति हेक्टेयर उपज कितना होता है, तो नींबू में जो प्रति हेक्टेयर उपज होता है वो 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि नींबू में प्रति हेक्टेयर उपज कितना होता है, तो नींबू में जो प्रति हेक्टेयर उपज होता है, तो नींबू में हमारा 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही। यानी नींबू में एक हेक्टेयर में उपज कितना होता है, तो एक हेक्टेयर में जो उपज हमारा हो जाएगा कितना, 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए पपेन तैयार किया जाता है, यानी पपेन, देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि पपेन जो होता है किससे तैयार किया जाता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पपेन जो होता है हमारा किससे तैयार किया जाता है, पपीते से। किससे? पपीते से तैयार किया जाता है। पपेन क्या है? एक पाचक एंजाइम है। क्या हो जाएगा? एक पाचक एंजाइम हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है कि पपेन जो होता है किस प्रकार का एंजाइम है, तो एक डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम से कहा जाता है। तो यानी एक पाचक एंजाइम है। क्या? एक पाचक एंजाइम है। तो पपेन हमारा किससे तैयार किया जाता है? पपीते से तैयार किया जाता है। किस प्रकार के पपीते से? तो कच्चे पपीते से। किससे? कच्चे पपीते से तैयार किया। यह ध्यान रखना कि अगर पूछ लेता कि पपेन जो होता है किस प्रकार के पपीते से तैयार किया जाता है, तो पपेन जो हमारा तैयार किया जाता है कच्चे पपीते से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 31। करेला की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि करेला की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। पहला दिया 3 से 4 किलोग्राम, दूसरा दिया 5 से 6 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन दिया 6 से 7 किलोग्राम, चौथा ऑप्शन दिया 7 से 8 किलोग्राम। काफी बहुत कम डिफरेंट हमने दिया है। तो करेला की जो बीज दर हो जाती है वो 6 से 7 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 6 से 7 किलोग्राम बीज दर होती है प्रति हेक्टेयर। तो यह ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि करेला की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, तो करेला की जो बीज दर हो जाए वो हमारा 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना हो जाएगा? 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा 31 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। करेला प्रजाति है, हाँ ये देखिए, करेला किसकी वैरायटी या प्रजाति है? अगर पूछ लेता भैया करेला किसकी वैरायटी, तो अधिकतर लोग करेला लगा के आएंगे, लेकिन तो यहाँ पर एक करेला की वैरायटी या प्रजाति नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया करेला, दूसरा ऑप्शन दिया पपीता, तीसरा ऑप्शन दिया आम, और चौथा ऑप्शन दिया अमरूद। तो करेला की, यानी करेला जो हमारी वैरायटी या प्रजाति है किसकी? अमरूद की हो जाए। किसकी? अमरूद की हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है कि करेला जो होता है किसकी वैरायटी या प्रजाति है, तो अमरूद की वैरायटी या प्रजाति। यानी करेला जो होता है एक वैरायटी या प्रजाति का भी नाम है। ये किसकी वैरायटी या प्रजाति है? तो ये अमरूद की वैरायटी है, प्रजाति है। और करेला खुद एक फसल है, आप सब जानते ही होंगे। अगर वैरायटी प्रजाति पूछ लेगा तो किसकी? अमरूद की वैरायटी या प्रजाति हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आम के कौन से प्रजाति जो अक्टूबर माह में फल देती है? देखो हाँ, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण, अगर पूछ लेता है कि आम के कौन सी वैरायटी या प्रजाति जो अक्टूबर माह में फल देती है, तो पहला हो जाएगा चौसा, दूसरा हो जाएगा फजली, तीसरा ऑप्शन निरंजन, और चौथा ऑप्शन मल्लिका। तो आम के कौन सी प्रजाति जो अक्टूबर माह में फल देती है, तो हमारा कौन सा? निरंजन हो जाएगा। कौन सा? निरंजन। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है कि आम के कौन सी वैरायटी या प्रजाति जो अक्टूबर माह में फल देती है, तो आम की हमारी कौन सी वैरायटी या प्रजाति है? हमारी निरंजन हो जाएगा, जो अक्टूबर माह में फल देती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 33 का तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पंतबहार वैरायटी या प्रजाति है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पंतबहार वैरायटी या प्रजाति है, तो पंतबहार पहला मूली दिया, दूसरा प्याज दिया, तीसरा मिर्च दिया, चौथा टमाटर दिया। तो पंतबहार जो हमारी वैरायटी या प्रजाति है टमाटर की होगी। किसकी हो जाएगी? टमाटर की हो जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा 34 का हमारा चौथा ऑप्शन सही है, यानी 34 का चौथा ऑप्शन। पंतबहार जो होता है किसकी वैरायटी या प्रजाति है, तो पंतबहार जो हमारी वैरायटी या प्रजाति हो जाएगी किसकी हो जाएगी? तो टमाटर की वैरायटी या प्रजाति हो जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा 34 का चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
पूसा सुप्रिया प्रजाति है। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूसा सुप्रिया किसकी वैरायटी या प्रजाति है। तो पहला दिया खरबूजा, दूसरा करेला, तीसरा काशीफल और चौथा लौकी। तो पूसा सुप्रिया जो वैरायटी या प्रजाति, ये हमारा काशीफल हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कद्दू या पंपकिन। क्या बोला जाता? कद्दू या पंपकिन बोला जाता। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 35 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा 35 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि काशीफल किसकी वैरायटी या प्रजाति है। तो सॉरी, पूसा सुप्रिया जो था किसकी वैरायटी या प्रजाति है? तो पूसा सुप्रिया हमारे काशीफल की वैरायटी या प्रजाति है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 35 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 36 कि लौकी की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन कि लौकी की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। तो लौकी की जो हमारी बीज दर प्रति हेक्टेयर, पहला ऑप्शन दिया 2 से 3 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन दिया 4 से 5, तीसरा ऑप्शन दिया 6 से 7 और चौथा ऑप्शन दिया 8 से 9 किलोग्राम। तो जो लौकी की बीज दर होती है वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 36 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा 36 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा 36 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 36 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी लौकी की प्रति हेक्टेयर जो बीज दर होती है वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फोइनिकुलम। हाँ, फोइनिकुलम वल्गेयर वनस्पति नाम है। अगर पूछ लेता कि फोइनिकुलम वल्गेयर वनस्पति नाम या बोटेनिकल नेम किसका हो जाएगा, तो फोइनिकुलम यानी वल्गेयर जो हमारा बोटेनिकल नेम या वनस्पति नाम ये हमारे सौंफ का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सौंफ यानी फेनल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता फेनल। फेनल या सौंफ का बोटेनिकल नाम हो जाएगा हमारा फोइनिकुलम वल्गेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोइनिकुलम वल्गेयर। तो ये क्वेश्चन ध्यान, अगर पूछ लेता कि फोइनिकुलम वल्गेयर किसकी वैरायटी या प्रजाति है, तो फोइनिकुलम वल्गेयर जो होता है किसकी वैरायटी या प्रजाति है, अरे सॉरी बोटेनिकल नाम अगर पूछ लेता कि फोइनिकुलम वल्गेयर बोटेनिकल नाम किसका है या वनस्पति नाम किसका हो जाएगा फोइनिकुलम वल्गेयर, तो फेनल या सौंफ का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेनल या सौंफ का, यानी वनस्पति नाम है, ध्यान रखना, वैरायटी नहीं है, यानी बोटेनिकल नाम है या वनस्पति नाम है, तो किसका हो जाएगा? सौंफ का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 38 तिलहन और मसाले वाली फसलों में भंडारण के समय नमी की मात्रा होनी चाहिए। यानी तिलहन यानी जो हमारे तेल वाली ऑयल फसलें होती है, और स्पाइसेस क्या होते हैं जो मसाले वाली होती है, क्या होते हैं? मसाले होते हैं वाले होते हैं। इन सभी फसलों में भंडारण के समय नमी कितना होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लगभग कई बार बीएचयू में पूछा गया था कि भंडारण के समय जो हमारे तिलहन और मसाले वाली फसलें होती है इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितने होने चाहिए, नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो नमी की मात्रा हमारा पहला ऑप्शन दिया 8 से 10, तो 8 से 10% जो हमारी मात्रा होना चाहिए नमी की मात्रा, ये हमारे दलहन वाली फसलें होना चाहिए। जो हमारी दलहन या दाल वाली फसलें होती है उसमें भंडारण के समय नमी की मात्रा 8 से 10% होना चाहिए, और 10 से 12 जो दिया ये अनाज वाली फसलें होनी चाहिए। क्या? अनाज। और 6 से 8% हमारा किसमें होना चाहिए? तिलहन और मसाले वाली फसलों में होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 38 का सी ऑप्शन, कौन सा? 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि तिलहन और मसाले वाली फसलें। क्या दे देता? तिलहन और मसाले वाली फसलों में अगर पूछ लेता है तो उसमें भंडारण के समय नमी कितनी होनी चाहिए, तो 6 से 8%। अगर वही दलहन पूछ लेगा तो 8 से 10%। अगर अनाज वाली फसलें पूछ लेगा तो 10 से 12% हो जाएगा। कितना? 10 से 12% हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं राजेंद्र क्रांति। हाँ, अगर पूछ लेता है कि राजेंद्र क्रांति जो होता है किसकी वैरायटी या प्रजाति है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग कई बार पूछा गया है कि राजेंद्र क्रांति जो होता है किसकी वैरायटी या प्रजाति है। इसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत आंसर बताइए कि राजेंद्र क्रांति जो होता है किसकी वैरायटी या प्रजाति है। चलिए कमेंट करके आप तुरंत कमेंट करके बताइए कि राजेंद्र क्रांति जो होता है किसकी वैरायटी या प्रजाति है।
काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तुरंत, कि अगर पूछ लेता है कि राजेंद्र कांति किसकी वैरायटी या प्रजाति है, तो राजेंद्र कांति जो हमारी वैरायटी या प्रजाति हो जाएगी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर आप सबको आंसर बताते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया धनिया, दूसरा ऑप्शन दिया पालक, तीसरा ऑप्शन दिया मेथी और चौथा ऑप्शन दिया लहसुन। क्या दिया? लहसुन। तो राजेंद्र गांधी जो हमारी वैरायटी या प्रजाति हो जाएगी, चलिए हम देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर सही है। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर इसका आप सभी लोग तुरंत बताएं कि राजेंद्र कांति किसकी वैरायटी या प्रजाति है। प्रदीप पटेल बता रहे हैं मेथी, हैप्पी कुमार बी ऑप्शन, आकाश कुमार डी ऑप्शन, आदित्य प्रकाश सी ऑप्शन, सोनू कुमार सी ऑप्शन, अनमोल सिंह सी ऑप्शन, परवेंद्र सिंह सी ऑप्शन, हरिश्चंद्र ए ऑप्शन, विनोद कुमार ए ऑप्शन, अनुज मौर्य मेथी, सुनील गंगवार सी ऑप्शन, दिलीप कुमार प्रजापति ए ऑप्शन, अनूप कुमार सी ऑप्शन, चलिए लगभग काफी स्टूडेंट का आंसर सही है, कुछ का गलत भी है। तो राजेंद्र कांति जो वैरायटी है प्रजाति मेथी की, किसके हो जाएगा? मेथी का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 39 का जो हमारा सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही है, राजेंद्र कांति किसकी वैरायटी है प्रजाति, तो मेथी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोरिएंडम सटाइवम बोटेनिकल में वनस्पति नाम, अगर पूछ लेता है कि कोरिएंडम सटाइवम बोटेनिकल में वनस्पति नाम किसका हो जाएगा, तो कोरिएंडम सटाइवम बोटेनिकल में वनस्पति नाम हमारा किसका हो जाएगा, तो पहला गाजर, धनिया, सौंफ, जीरा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोरिएंडर यानी धनिया का बोटेनिकल, धनिया को इंग्लिश में क्या कोरिएंडर बोला जाता है, तो कोरिएंडम सटाइवम जो बोटेनिकल में किसका हो जाएगा, धनिया को। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 का दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अब देखिए दोहरे उद्देश्य या उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है, दोहरे उद्देश्य मतलब दुई काजी, क्या हो जाएगा? दुई काजी। अगर पूछ लेता दोहरे उद्देश्य या दुई काजी वाली गाय की नस्ल कौन सी हो जाएगी, तो हमारी हो जाएगी पहला गिर, थारपारकर, साहिवाल, नागौरी। तो ये दोनों नस्ल हमारी दुधारू हो जाएंगे, ये हमारी हो जाएगा भारवाही, तो हमारे कौन से थारपारकर, कौन सा थारपारकर, गिर और साहिवाल हमारे हो जाएगा दुधारू, क्या हो जाएगा? दुधारू। नागौरी हमारी हो जाएगा भारवाही, भारवाही। तो क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इन्हें द्विकाजी नस्ल थारपारकर गाय की द्विकाजी नस्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रानीखेत संबंधित है, अब रानीखेत क्या है? बीमारी। क्या है? बीमारी है। अब ये पूछ लेता कि ये किससे संबंधित है या किसमें लगता है, संबंधित मतलब ये रानीखेत बीमारी किसमें होता है, पहला दिया भेड़, दूसरा दिया कुक्कुट, कुक्कुट यानी, तीसरा ऑप्शन दिया गाय और चौथा ऑप्शन दिया सुअर। तो रानीखेत बीमारी जो होती है किसमें लगती है? मुर्गी में। तो कुक्कुट पालन किसे कहा जाता है? मुर्गी को कहा जाता है। किसे? मुर्गी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 42 का दूसरा ऑप्शन सही, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाए कि रानीखेत बीमारी किससे संबंधित, तो कुक्कुट या मुर्गी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मादा पशु का गर्भधारण का उत्तम समय क्या होता है? अब देखिए इसका आप सभी लोग आंसर बताइए, अभी आप सभी लोग बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखे थे, नहीं तो आप सभी लोग इसको आंसर बताइए कि मादा पशु का गर्भधारण का उत्तम समय है, यानी जो हमारे मादा पशु होते हैं इनका गर्भधारण का उत्तम समय कब होता है या कब मुख्य माना जाता है। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन दिया शुरू होने से 6 घंटे तक, यानी जब उसमें गर्भधारण, जब पीरियड आ जाता है गर्भधारण करने की अवस्था, तो शुरू होने से 6 घंटे तक,
मध्य काल से 12 से 18 घंटे तक, यानी जब मध्य काल से 12 से 18 घंटे तक शुरू होने से 4 घंटे तक, कितने शुरू होने से 4 घंटे तक, या अंतिम अवस्था में 24 घंटे तक, क्या अंतिम अवस्था में 24 घंटे तक। चलिए इसका आप सभी लोग आंसर बताएं। सुनील गंगवार बता रहे हैं बी ऑप्शन, सुनील पाल एग्रीकल्चर बी ऑप्शन, जतिन कुमार डी ऑप्शन, आईपी 12 से 18, जय पाल, दिलीप कुमार, ज्योति पाल बी ऑप्शन। चलिए लगभग कुछ स्टूडेंट का आंसर सही है। तो माता पशु में जो गर्भ धारण करने का उत्तम समय होता है यह मध्य काल में 12 से 18 घंटे तक होता है। क्या होता है मध्य काल में 12 से 18 घंटे तक, अगर हमें क्या होते हैं पशु को अगर हम गर्भ धारण कराते तो इस अवस्था में मतलब गर्भ धारण करने का उत्तम समय माना जाता है। तो मतलब मध्य काल में 12 से 18 घंटे तक का मतलब मुख्य समय, यानी गर्भ धारण करने का जो सबसे उत्तम समय माना जाता है मध्य काल में 12 से 18 घंटे, यानी 12 से 18 घंटे का जो समय होता है वो मुख्य माना जाता है, यह उत्तम माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गाय भेड़ और बकरी में इंसाइजर दांत या जिसे बोला कृंतक दांत पाए जाते हैं। गाय भेड़ और बकरी तीनों में ध्यान रखना है कि गाय भेड़ और बकरी में इंसाइजर दांत जिसे बोला था कृंतक दांत कहां पर पाए जाते हैं, कहां पर होते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि गाय भेड़ बकरी में इंसाइजर जो दांत होते हैं या कृंतक दांत होते हैं यह कहां पर पाए जाते हैं। इसका आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए तुरंत। कि गाय भेड़ तथा बकरी, क्या पूछ लेता गाय भेड़ तथा बकरी में इंसाइजर या कृंतक दांत कहां पर पाए जाते हैं। हैप्पी कुमार डाउन बता रहे हैं, अनूप पांडे डी ऑप्शन, आदित्य सी ऑप्शन, हरिचंद्र बी ऑप्शन, ज्योतिपाल बी ऑप्शन, आकाश ए ऑप्शन, ऋषभ यादव बी ऑप्शन, प्रदीप पटेल ए ऑप्शन, सुनील गंगवार बी ऑप्शन। चलिए हम आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया केवल ऊपरी जबड़े में, दूसरा ऑप्शन दिया केवल निचले जबड़े में, और तीसरा ऑप्शन दिया दोनों जबड़े में, और चौथा ऑप्शन दिया नाना दीज। तो गाय भेड़ तथा बकरी में जो इंसाइजर या कृंतक दांत पाए जाते हैं वो निचले जबड़े में पाए जाते हैं। किसे? निचले जबड़े में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 44 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केवल निचले जबड़े में पाए जाते, इंसाइजर या कृंतक दांत जो पाए जाते हैं गाय भेड़ तथा बकरी में निचले जबड़े में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है। कि अगर पूछ लेता है कि गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि गाय के दूध में वसा की मात्रा, यानी जो काऊ मिल्क होता है उसमें फैट कंटेंट कितना होता है या वसा की मात्रा कितनी होती है। पहला ऑप्शन दिया 1 से 3%, दूसरा ऑप्शन दिया 4 से 5%, तीसरा ऑप्शन दिया 7 से 10%, और चौथा ऑप्शन दिया 8 से 11%। तो गाय के दूध में वसा की परसेंट मात्रा जो होती है 1 से 3%, 4 से 5%। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है दूसरा ऑप्शन। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। तो गाय के दूध में अगर पूछ लेता फैट कंटेंट, क्या पूछ लेता फैट कंटेंट या वसा की मात्रा पूछ लेगा तो 4 से 5% होता। कितना होता? 4 से 5% होता। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 45 का दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे देश में प्राय किन कारणों से पशु मरते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हमारे देश में प्राय जो होता है किस कारण से या कौन से कारण से जो होता है पशु मरते हैं, या कौन से कारण होता है जिसके कारण जो होता है पशु मरते हैं हमारे देश में। तो पहला ऑप्शन दिया असंतुलित,
एवं अल्प आहार असंतुलित, मतलब निश्चित रूप से और कम मात्रा में जो आहार निकलता है। दूसरा ऑप्शन दिया दवा या चिकित्सा के अभाव में, किसके दवा और चिकित्सा के अभाव में। तीसरा ऑप्शन दिया परजीवियों के प्रकोप से, किसके परजीवी, यानी पहला साइड है परजीवियों के प्रकोप से। और चौथा ऑप्शन दिया आला बीज दिया, क्या दिया आला बीज। तो क्वेश्चन हमारा 46 का जो हमारा आंसर सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो, यानी असंतुलित आहार, यानी असंतुलित और अल्प आहार की कमी से भी हो सकता है, दवा और चिकित्सा के अभाव में भी हो सकता है, और परजीवियों के प्रकोप यानी बीमारी होने के प्रकोप से भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 46 का चौथा ऑप्शन सही, कौन सा 46 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ट्रोकरियम कैनुला किस रोग से संबंधित है। अगर पूछ लेता है कि ट्रोकरियम कैनुला किस रोग से संबंधित है, पहला है जहरवाद, दूसरा है ग्लोगोटू, तीसरा है जोहनिस बीमारी, चौथा ऑप्शन दिया है टिम्पेनाइटिस, क्या टिम्पेनाइटिस या जैसे बोला था अफरा रोग, क्या बोला था अफरा रोग। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 47 का हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही है टिम्पेनाइटिस या अफरा रोग। तो ट्रोकरियम कैनुला का प्रयोग किस अफरा रोग से पीड़ित पशुओं के पेट से दूषित गैस निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ट्रोकरियम कैनुला नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी जब पशुओं के पेट में दूषित गैस बन जाता है यानी अफरा रोग से पीड़ित, यानी तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, ट्रोकरियम कैनुला नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 47 का चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। कुक्कुट पॉक्स या जैसे बोला था फाउल पॉक्स, क्या बोला था फाउल पॉक्स रोग है। तो ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हमारा क्या 48 कि कुक्कुट पॉक्स या जैसे बोला था फाउल पॉक्स बोला था, क्या बोला था फाउल पॉक्स। इसका आप सभी लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 किसके द्वारा ये होता है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके तुरंत बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 काफी स्टूडेंट का, तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा बी ऑप्शन, कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुक्कुट पॉक्स या फाउल पॉक्स जो बीमारी होता है किस ये हमारा किसमें किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, किसके द्वारा विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सेकेंड लास्ट। परीक्षण के लिए मृदा नमूने में मृदा कणों का आकार होना चाहिए। जब हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं, क्या कहते हैं सॉइल टेस्टिंग। तो अगर सॉइल टेस्टिंग हमें करना है तो उसके परीक्षण के लिए, मतलब परीक्षण के लिए मृदा नमूने जो हमारे, मतलब उसके जो सैंपल लिए जाते हैं, क्या मृदा सैंपल लिए जाते हैं, तो उसमें मृदा कणों का आकार कितना होना चाहिए पूछा जा सकता है। कि सॉइल टेस्टिंग के लिए जो होता है, सॉइल टेस्टिंग के लिए जो हम मृदा सैंपल लेते हैं, क्या लेते हैं मृदा सैंपल लिया जाता है, उसके लिए हम मृदा कणों का आकार कितना लेना चाहिए, कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया 2 मिलीमीटर से कम, दूसरा ऑप्शन दिया 0.02 मिलीमीटर से कम, तीसरा ऑप्शन दिया 0.2 मिलीमीटर से कम, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया 2 से 4 मीटर। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन सही है पहला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है पहला ऑप्शन, यानी जो हम सॉइल सैंपल लेते हैं, क्या सॉइल सैंपल लिया जाता है सॉइल टेस्टिंग के लिए, उसमें जो कणों का आकार होना चाहिए कितना 2 मिलीमीटर से कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा 49 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यह क्वेश्चन आ जाता है कि 1 किलोग्राम सोयाबीन से, 1 किलो सोयाबीन से कितना सोया दूध तैयार किया जा सकता है, यानी 1 किलोग्राम सोयाबीन से, किससे 1 किलोग्राम सोयाबीन से कितना सोया तैयार किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया 1 से 2 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन दिया 30 से 40 किलोग्राम, और तीसरा ऑप्शन दिया हमारा 10 से 12 किलोग्राम, और चौथा ऑप्शन दिया हमारा 6 से 8 किलोग्राम।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 50 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही है, यानी 6 से 8 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 से 8 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम सोयाबीन से कितना सोया दूध तैयार कर सकते हैं, तो 6 से 8 किलोग्राम कितना तैयार किया जा सकता है, 6 से 8 किलोग्राम सोया दूध तैयार किया। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, हमने 50 क्वेश्चन आप सभी लोग बीएचओ और आईसीआर बीसीएससी के जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी पेपर देना चाहते हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफी लाभदायक होगा। अब इसके बाद आप सबको यूपी कैटर के जो भी क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हो पाया है बच्चों के माध्यम से, जो भी क्वेश्चन यूपी कैटर में आए थे एग्रीकल्चर का, उसको सॉल्व कराया जाए कुछ समय बाद, 2-4-5 मिनट बाद। तो आप सभी लोग वीडियो के तब तक शेयर कर दीजिए, प्रीमियम लगा दिया गया है, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोगों जो भी स्टूडेंट है, अगर आप सबको पेपर को क्लियर करना कि कितने आपके क्वेश्चन वापस सही है कौन से गलत हुए, तो आप सभी लोग 4-4-10 मिनट में आप सबकी क्लास स्टार्ट की जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।